प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया गौर पार्वती की जय, गणपति ललन माँ की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिवगुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, देवलोक में देवी देवताओं का ब्याह के लिए सोमवार रचाया गया। सभी देवी देवताओं के लिए ब्याह के लिए सोमवार रचाया गया। और जब सोमवार रचाया गया गुरु भाई बहना, तो जितने देवी देवताओं हैं सब शादी से प्रसन्न थे, सब खुश थे कि सोमवार में आज मेरा गले में वरमाला डलाएगा और मुझे ब्याह हो जाएगा। गुरु भाई बहना, उस समय भोलेनाथ जो थे वहां पर उपस्थित थे, गणपति उपस्थित थे, ब्रह्मा और विष्णु सभी उपस्थित थे, बाकी जितना देवी देवताओं थे सबका ब्याह का रचाया गया था। जब रचा रहा था गुरु भाई बहना, तो गणपति को कहा गया, गणपति के माता बोले कि पुत्र, तुम्हें यदि इस देवलोक में कोई भी कन्या पसंद हो जाता है तो उसे तुम स्वीकार करो, तुम्हारा ब्याह उसी के साथ कर देंगे। ये बात सुनकर गणपति बड़े गुस्से में हो गए, नाराज हो गए और कहने लगे कि मेरी माता बोली है कि मैं अपने लिए वर पसंद, कन्या पसंद करूं, कदापि नहीं। जहां तक के कि इंद्रलोक में जितना सोमवार रचाया हुआ है, जितना ब्याह का सोमवार रचाया हुआ है, किसी को हम ब्याह नहीं होने देंगे, सारा लोक का ब्याह को काट देंगे, किसी का परमाला गले में नहीं जाने देंगे। और गुरु भाई बहना, मुसकराज को कह दिए गणपति कि मुसकराज मेरा कहना मानना होगा। आज मुसकराज कहते हैं कि क्या कहना मानना होगा महाराज, स्वामी आप जो भी कहेंगे मैं आपको बातों पे खरा उतरने वाला हूं। गुरु भाई बहना, मुसक राज कहते हैं कि जितना बरमाला रखाएगा सारी बरमाला को काटना होगा, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देना होगा, जितना तुम्हारा प्रजाति है सबको न्योता दे दो और न्योता दे के सारी बरमाला को काट दो, और जितना शादी का जोड़ा है सब जोड़े का खंड और टुकड़ा में बदल देना। गुरु भाई बहना, मुसक राज जो थे बरमाला काटने के लिए अपने प्रजाति का न्योता दे दिए। अपने प्रजाति का जब न्योता दे दिए तो देवलोक में पूरा झुंड के झुंड मुसक राज वहां पहुंच गए। जब झुंड के झुंड पहुंच गए तो ब्रह्मा कहते हैं कि आज तो अनर्थ हो जाएगा, आज का दिन यदि देवलोक में जोड़ी नहीं लगेगा, किसी का गले में बरमाला नहीं पड़ेगा, ब्याह नहीं होगा तो अनर्थ हो जाएगा। यहां तो आज 1600 सखियां का ब्याह है और 1600 सखी का गले में बरमाला पड़ेगा, कैसे हो सकता है। गुरु भाई बहना, नारद जी को बोले ब्रह्मा जी कि नारद जी मेरा एक काम करना होगा। नारद जी कहते हैं कि क्या, तो देखिए मुसक राज जो है सबको बिलवा के आपको रखना होगा, और यदि सबको बिलवा लीजिएगा तो आपके लिए एक सुंदर कन्या ढूंढेंगे,
और आपको अवश्य ब्याह करवा देंगे। नारद जी तो बड़े खुश हो गए और कहते हैं कि सच में ब्रह्मा जी मेरा ब्याह करवा देंगे आप? तो हाँ, आपका ब्याह हम अवश्य करवा देंगे। नारद जी प्रसन्नता से तो उछल पड़े, उनका चाल तो हवा बन गया और धीरे धीरे नारद जी अपने हाथ का बांसुरिया बजाने लगे, बिगुल बजाने लगे, जो भी ले ले थे वो बजाने लगे, बजाने लगे और जो मूषक राज थे सम्मोहित हो गए, सम्मोहन हो गए इनके राग में। और जब सम्मोहन हो गए तो सब मूषक राज इन्हीं में लिपट गए और प्रेम पूर्वक वहां सभी देवी देवताओं का ब्याह हो गया, वरमाला पड़ गया। एक मूषक राज वहां नहीं जा पहुंचे, जहां तक के कि गणपति का जो मेन सवारी था वो भी इन्हीं में नारद बाबा में ही लगे रह गए। जब सबका ब्याह हो गया गुरु भाई बहना, तो गणपति गुस्से में आग बबूला हो गए कि मुझे इतना करने पर भी सबका ब्याह हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये असंभव है, संभव नहीं। मूषक राज को कहते हैं कि हम तुम्हें श्राप दे देंगे, हम तुम्हें श्राप दे देंगे। मूषक राज कहते हैं कि नहीं महाराज, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, नारद मुनि ने मुझे अपने जाल में फंसाकर और मुझे आपके बरमाला कहे हुए पर नहीं काटने दिए। कहते हैं गणपति की तो ठीक है, हम तुम्हें श्राप दे देते हैं कि तुम दर दर भटकोगे, लोग तुम्हें देखकर ईंट और पत्थर मार देंगे, कभी तुम्हारे लिए उनके मन में अच्छा ख्याल नहीं आएगा, तुम्हें जी भर के भोजन प्रतिदिन नहीं मिलेगा। और नारद जी को श्राप देते हैं कि सातों जलन और विवाहित जीवन से वंचित रहेंगे, उनका ब्याह नहीं होगा, एक दूसरे को देखकर बस उनके दिल में लगेगा कि दो जोड़ियां हैं। ये बात सुनकर तो नारद मुनि आग बबूला हो गए और दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी आप तो बोले थे कि आपका ब्याह करवा देंगे, तो गणपति ने मुझे ऐसा श्राप दे दिए, ये कैसे हो सकता है? और गणपति बहुत गुस्से में है, इतना गुस्सा में है, इतना गुस्सा में है कि उनका गुस्सा तो कहां नहीं जा रहा है, लगता है कि पूरे संसार को परलय कर देंगे। गुरु भाई बहना जितना मूषक राज थे सब पृथ्वी पर आ गए, वहां एक भी नहीं रहे, एक ही सवारी जो उनका था उपस्थित उनके पास रहे। जब ऐसा बात ब्रह्मा जी सुने तो अपने शक्ति से रिद्धि और सिद्धि को उत्पन्न किए, एक सुंदर सुंदर कन्या बनाकर, खूब सुंदर सुंदर कन्या बनाकर उत्पन्न करके और लेकर गए कहां, गणपति के पास। और वहां पार्वती को और शंकर भगवान को बुलाए और रिद्धि और सिद्धि को उनके सामने आने और जाने को बोले कि जिसमें गणपति आपको देखकर मोहित हो जाए, पुत्री बनाई हुई ब्रह्मा के हाथों के सुंदर सुंदर कन्या कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर जा रही थी। गणपति तो एक बार भी उसे नजर उठाकर नहीं देख रहे थे। रिद्धि और सिद्धि दोनों
नाचने लगी। रिद्धि सिद्धि पे नजर पड़ गया गणपति को, और गणपति को नजर पड़ते ही मन मोहित हो गए। उनका दिल में, गणपति के दिल में रिद्धि और सिद्धि दोनों बस गए। और जब बस गए तो गणपति को लगता है कि इनके माता पिता कौन है, इस कन्या को ऐसे ब्याह हम करना चाहते हैं, इसके माता पिता को मुझे पता लगाना चाहिए, इसको माता पिता को पता लगाएंगे। और मन ही मन सोच रहे, ब्रह्मा तो अंतर्यामी थे, जाकर कहते हैं कि हे गणपति महाराज, ये कन्या को हम उत्पन्न किए हैं, और इस कन्या से आप चाहें तो दोनों कन्या से विवाह कर ले। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर गणपति तुरंत तैयार हो गए और कहने लगे कि ठीक है महाराज, हे ब्रह्मदेव, हम रिद्धि सिद्धि दोनों को अपने पत्नी के रूप में स्वीकारने को लिए तैयार हैं, बस मेरे माता पिता मुझे मुंह खोलकर आशीर्वाद दे, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे पुत्र मानने को लिए तैयार नहीं है। शंकर भगवान तुरंत वहां पर उपस्थित हो गए, पार्वती उपस्थित हो गए। शंकर भगवान कहने लगे कि ठीक है पुत्र, हम तुम्हें पुत्र स्वीकारते हैं, रिद्धि सिद्धि से तुम्हें ब्याह करना होगा। शंकर भगवान से कहते हैं गणपति कि ऐसे नहीं आपका पुत्र बनेंगे, पूजा में आपसे आगे हम रहेंगे, जिसके घर पूजा होगा आपका नाम पीछे लिया जाएगा, लेकिन मेरा बिना स्थान दिए हुए वो पूजा सफल नहीं होगा, तभी आपका पुत्र हम बनेंगे। शंकर भगवान वरदान दे दिए अपने गणपति को और बोले कि तो ठीक है, यही होगा, पहले पुत्र तब पिता, तुम्हारा नाम हर जगह पे लिया जाएगा, तुम्हारा सुमरन में भी तुम्हारा ही नाम रहेगा, पूजा में भी तुम्हारा नाम रहेगा, कनकन में तुम्हारा नाम रहेगा, उसके बाद ही मेरा नाम लिया जाएगा, कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना, बड़े धूमधाम से देवलोक में गणपति को शादी रिद्धि सिद्धि से रचाया, और ब्रह्मा जी और सरस्वती दोनों मिलकर कन्यादान किए रिद्धि सिद्धि को, वर वधू को पूरे देवलोक के लोग आशीर्वाद दिए, गणपति भी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। अब कहते हैं नारद जी कि ब्रह्मा जी, यहाँ तो गणपति का भी ब्याह हो गया और मेरा ब्याह कैसे होगा, मुझे तो गणपति इतना बड़ा श्राप दे दिए हैं। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे भगवान, आपसे ऊंचा दर्जा किसी को नहीं दिया जाएगा। विष्णु जी कहते हैं कि हे भगवान, आपसे ऊंचा दर्जा किसी को नहीं दिया जाएगा, आप परम पिता रहेंगे, सबका गुरु रहेंगे, और बिना गुरु का ज्ञान कहां, आप कुंवारा ही रहेंगे और सबको गुरु बनेंगे, आप सबका ज्ञान देंगे, आप आपके बिना हम लोग का हर चीज व्यर्थ है, इसलिए आप मेरा गुरु रहेंगे और मैं आपको शिष्य। तो गुरु भाई बना, उस दिन से नारद बाबा, नारद मुनि जिनको लोग कहते हैं चुगलखोर है, तो ये हैं वो हैं, वो सबको गुरु बन गए और सबको गुरु ज्ञान दिए, सबको शिक्षा दिए। तो गुरु भाई बना, हम ही शिव का गुरु नहीं बनाए हैं, जो भोलेनाथ भी है वो भी किन्हीं का गुरु बनाए हैं, जो ब्रह्मा जी है वो भी किन्हीं का गुरु बनाए हैं, जो विष्णु है वो भी किन्हीं का गुरु बनाए हैं, नारद जी भी किन्हीं को गुरु बनाए थे, वहाँ का जो भी देवलोक में जितने देवी देवता हैं, 36 करोड़ देवता हैं, सब देवी देवता हैं, किन्हीं को नहीं किन्हीं को गुरु बनाए हैं, बिना गुरु का ज्ञान नहीं। गुरु भाई बहना कहते हैं कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं, बिना प्रेम के भगवान नहीं, जहां पर प्रेम नहीं है वहां पर भगवान नहीं है,
जहाँ गुरु नहीं जहाँ ज्ञान नहीं। हम विद्यालय में जाते थे पढ़ने को लिए, तो सिर्फ विद्यालय में बैठ जाते तो हमें ज्ञान नहीं होता, कोई शिक्षा नहीं मिलता, लेकिन वहाँ शिक्षक रहते थे, मुझे क ख एक दो पढ़ने को लिए सिखाए, तब मेरे पास ज्ञान हुआ। हम पढ़ाई किए, अपना नाम लिखने को लिए जाने, अपना एड्रेस लिखने को लिए जाने, किताबें पढ़ने को लिए जाने। उसी तरह गुरु भाई बहना, गुरु का जरूरत हर मनुष्य के है। अब इसलिए गुरु भाई बहना मेरा विनती यही है कि शिव को गुरु बनाइए और तीन सूत्र के पालन कीजिए। पहला सूत्र दया मांगना, दूसरा सूत्र चर्चा करना, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु का प्रणाम कीजिए। गुरु भाई बहना, आपका हर एक कार्य सफल होगा, शुभ होगा, आपका हर मन्नत पूरा हो जाएगा। जिनकी घर में कन्या कुमारी है वो जुड़कर देखिए, अच्छे घर पर मिलेंगे। जिनका संतान नहीं है वो जुड़कर देखिए, पुत्र हो जाएगा। कोई भी मन्नते के लिए आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, आपका मन्नते पूरी होगा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय, हर हर महादेव, घर घर महादेव।